गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी डिस्कस बेसिक ऑफ मीन। मीन के बारे में हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसकी सारी मेथड के बारे में डिस्कस किया था कि थ्री टाइप की मेथड हमारे 10th क्लास में है, लेकिन उसमें से एक मेथड हटा दी गई है, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। बाकी की जो दो मेथड है उनसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक प्रोग्राम हुआ था इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए, तो स्टूडेंट का जो ग्रुप था 20 हाउस में गया और उन्होंने वहाँ के नंबर ऑफ प्लांट काउंट किए, कितने पेड़ पर हाउस में है वो उन्होंने काउंट किए। तो टेबल के अकॉर्डिंग डेटा हमारे पास है 0 to 2, या तो बिल्कुल नहीं है या फिर 1 या 2, 1 0 है या फिर 1 है, तो वो एक हाउस है जिसमें 2 या 3 है, क्योंकि 4 वाला जो वो नेक्स्ट वाले में काउंट होगा। ये हमने बता चुके हैं कि जब कंटिन्यूस क्लास होती है, यहाँ पे एक क्लास है तो लोअर लिमिट तो काउंट होती है लेकिन अपर लिमिट नेक्स्ट वाले में काउंट होगी। तो यहाँ पे 0 और 1 प्लांट है 1 हाउस में, 2 और 3 प्लांट 2 हाउस में थे, 4 और 5 4 प्लांट या 5 प्लांट 1 हाउस में है। इस तरीके से डेटा बना हुआ हमें निकालना है, विच में इसका मीन निकालना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस में कितने प्लांट के लगभग हो सकता है। तो वो एक एग्रीगेट डेटा बताना है, एक एवरेज बताना है। मीन एक एवरेज नाम भी यूज़ आता है मीन में, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो एवरेज निकालना है। अब इसने पूछा विच मेथड डिड यूज़ फॉर द फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो कौन सी मेथड आप यूज़ करोगे और क्यों करोगे वो हमें बताना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना 0 से 2, 2 से 4 ये क्लास है और ये ग्रुपडेड डेटा है। मतलब हमने अनग्रुपडेड डेटा के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर रही थी कि मीन कैसे निकालते हैं। अब ग्रुपडेड डेटा के मीन कैसे निकालते हैं उनकी मेथड तो हमने लास्ट टाइम पे बात कर ली थी, लेकिन तरीका आप देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ प्लांट ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, कि कौन सी क्लास है, तो क्लास हमें क्वेश्चन में दी जाती है। नंबर ऑफ हाउसेस, ये हाउस भी हमें क्वेश्चन में पता थे टेबल में, है ना। तो फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास क्वेश्चन में होती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी को हम A5 से बताते हैं। तो ये दो चीज़ तो आपको कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी। अब आपको आगे प्रोसेस में क्या करना है, आपको क्लास मार्क्स निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो क्लास मार्क जो निकलता है वो हमारा इस क्लास के अकॉर्डिंग निकलेगा, जहाँ पे क्लास मार्क का फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये हमने फार्मूला लिखा है, सभी में आपको लिखना कंपलसरी नहीं है ना, अभी हमने फर्स्ट इस क्वेश्चन स्टार्ट किया इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट ये टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो। मतलब फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो क्लास मार्क्स xi कैसे निकलेगा, xi निकलने के लिए ये 1 कैसे आया, तो देखो 0 और 2 को प्लस करें तो 0 प्लस 2 तो 2 आया, 2 में 2 का डिवाइड करें तो क्या होगा 1। इसी तरीके से 2 और 4 प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा 6, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 4 और 6 प्लस करें तो क्या आएगा 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5। इसी तरीके से हमारे ये 2 2 की डिफरेंस पे क्लास मार्क्स आ रही है, तो हमने इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर लिया, जिससे लास्ट वाला है 12 और 14, तो 26 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 13, तो क्लास मार्क्स निकल। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो ये फ्रिक्वेंसी है ये भी बहुत स्मॉल है और क्लास मार्क भी बहुत स्मॉल आए, तो जब दोनों ही स्मॉल है हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे a5 xi निकालेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 से 3 का मल्टीप्लाई 6, 1 से 5 का मल्टीप्लाई 5, 5 से 7 का मल्टीप्लाई 35, 6 से 9 का मल्टीप्लाई 54, 2 से 11 का मल्टीप्लाई 22, 3 से 13 का मल्टीप्लाई 39। अब हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पर क्लास मार्क्स और फ्रिक्वेंसी स्मॉल है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक तो एफ आई एक्स आई का समेशन चाहिए, इनका सबका टोटल चाहिए। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल कॉलम बना के समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल, वो तो हमारे 20 आया है ना। इसके बाद समेशन एफ आई एक्स आई का टोटल, तो हम सभी को प्लस करेंगे तो 162 आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड को लिखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड बाय डायरेक्ट मेथड फार्मूला क्या है हमारा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड का। इसके बाद समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, 162 ऊपर लिखेंगे और समेशन एफ आई की वैल्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी 20 आया वो नीचे लिखेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे, कट करो डिवाइड करो जैसे भी आपको सॉल्व करना है, तरीका आपको पता है, डिवाइड भी कर सकते हैं कट भी कर सकते हैं। तो 8.1 आंसर आपका आएगा, तो मीन जो आया 8.1 आ गया। अब इसको हम आंसर लिखेंगे तो देयर फोर मीन इक्वल टू 8.1 प्लांट्स, मतलब पर हाउस, तो हर हाउस में कितने प्लांट होंगे, एक एवरेज आ गया 8.1। ठीक है, इसके बाद हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे, तो वी यूज़ डायरेक्ट मेथड। हमने कौन से मेथड का यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड। क्यों किया ये भी बताना पड़ेगा, टू फाइंड द मीन, डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया फाइंड द मीन बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एफ आई एंड एक्स आई इज आर स्मॉल। तो यहाँ पे हमारी एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू है आर स्मॉल, मतलब दोनों की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है जिसमें 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनको डेली वेजेस रोज़ की मजदूरी दी जाती है। ठीक है, तो टेबल इस तरह से है, डेली वेजेस 100 to 120, 100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ जो है वो 12 वर्कर को देते हैं, 120 से 140 के बीच में मतलब 139 रुपीज़ तक 14 वर्कर को देते हैं, 140 से लेके 159 तक 8 वर्कर को देते हैं। तो क्लास तो इसी तरीके से चलेगी है ना, तो 160 से 180 के बीच 6 वर्कर को देते हैं और 180 से 200 तक 10 वर्कर को देते हैं। तो ये डेली मजदूरी है, तो कितनी मजदूरी कितने वर्कर को दी जा रही है। क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेली वेजेस, डेली वेजेस का मीन फाइंड करना है ऑफ द वर्कर के, लगभग एक वर्कर को कितनी मजदूरी, अगर हम सभी का एवरेज निकालें, सभी का मिला के निकालें तो कितनी पर वर्कर मीन है डेली वेजेस है वो हमें निकालना है ऑफ द फैक्ट्री बाय द यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथ। तो आपको जो भी मेथड यूज़ करनी है आप उस मेथड से यूज, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट मेथड से भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, बस अंतर इतना आएगा उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग सकता है। अगर फिगर बड़े आएंगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा और प्लस करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, बाकी आंसर तो आपके डायरेक्ट मेथड से भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, ये हम सेकंड मेथड जो शॉर्टकट मेथड है उससे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो आपको वो समझ में आ गई होगी, सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से करेंगे। ये दोनों मेथड समझने के बाद आप मीन के किसी भी सवाल को, जो भी मेथड आपको ईजी लगे सॉल्व करने में उससे आप कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो 14.1 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी है ना। तो क्वेश्चन की टेबल में हमें डेली वेजेस के लिए क्लास दे रखी है, तो क्लास हमने क्वेश्चन से लिख दी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर एफ आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद का प्रोसेस है हमारा एक्स आई निकालना, क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क जरूर निकालना पड़ता है। तो क्लास मार्क हमने निकाला, कैसे निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस किया, तो 100 प्लस 120 तो 220 में 2 से डिवाइड किया तो 110, तो 110 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट का क्लास मार्क निकालें तो 120, 140, 260 में 2 से डिवाइड किया तो 130। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे 140 और 160, 300 को 2 से डिवाइड किया तो 150। इस तरीके से हमारे क्लास मार्क्स हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके ये निकाल लिए। इसके बाद
हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी फ्रिक्वेंसी में ठीक है, नंबर ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, और लेकिन क्लास मार्क में बड़े नंबर है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। हालांकि ये सवाल भी डायरेक्ट मेथड से आप इजीली कर सकते हो, इतना भी बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखोगे क्लास मार्क के डिजिट बड़े हैं, तो बड़े हैं तो हम वहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, और शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ए फाइंड करते हैं, है ना, जिससे हम क्लास मार्क को छोटा कर सकें। तो ए जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जिससे आधे नंबर तो ऊपर रहते हैं, आधे नंबर नीचे रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सिक्स नंबर आएंगे, है ना, तो आप कहोगे सर बीच में तो दो नंबर आ रहे हैं, अब हम कौन सा नंबर लें। तो जब दो नंबर आ जाए तो कोई भी एक नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने सेंटर में, अभी हमारे पास फाइव नंबर है तो फाइव में से ये सेंटर में आ गया, तो इससे हमने दो नंबर ऊपर लिखे, दो नंबर नीचे, तो ये सेंटर का नंबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इस ए से हम क्लास मार्क को थोड़ा सा स्मॉल कर रहे हैं, तो हमने एक फार्मूला इस मतलब आगे एक और कॉलम बनाया डी आई का, ठीक है, डिवीजन मतलब कि उसको थोड़ा छोटा करने के लिए डी आई। तो इसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब कि यहाँ पे एक्स का मतलब होता है एक्स आई, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स आई माइनस ए मान सकते हो, तो एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर एक्स आई माइनस ए जो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आई कितना है 110, 110 में से माइनस होगा 150, तो ये 150 क्या है, माइनस की संख्या है, तो ये ग्रेटर हो गई, तो 150 में से 110 जाएगा तो 40 आएगा, और ग्रेटर नंबर का एक है माइनस का, ये पीछे रहेगा ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, तो पीछे वाला माइनस का हो गया, तो 150 बड़ा नंबर है, तो माइनस के आएंगे 40। उसी तरह से 130 में से 150 माइनस होंगे तो माइनस के 20 आएंगे, 150 में से ही 150 माइनस होगा तो जीरो आएगा, 170 में से 150 माइनस होगा तो 20 आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का हो गया, 190 में से 150 माइनस होगा तो 40 आएगा। तो ये हमारी नई नंबर्स आ गए डी आई वाली वैल्यू। अब डी आई की वैल्यू जब आ गई तो हम इस डी आई की वैल्यू को और इस एफ आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ आई इंटू डी आई करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, तो हम जानते हैं 12 4 जा 48, और जीरो की जीरो, और ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, तो माइनस 480, ये आंसर आया हमारा डी आई इंटू एफ आई का। फिर 14 के साथ माइनस 20 का इंटू करेंगे तो माइनस 280 आया, 8 के साथ जीरो का इंटू हुआ तो जीरो आया। अब हमें इस एक्स आई से कोई मतलब नहीं है, अब हमें डी आई और एफ आई से मतलब है, और 6 का इंटू 20 से किया तो 120 आया, 10 का इंटू 40 से किया तो 400 आया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो एक बात आप जानते हो कि प्लस प्लस वाले प्लस होते हैं, और माइनस 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 वाले भी प्लस होते हैं, और प्लस प्लस वाले भी प्लस होते हैं, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये होगा 520, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये भी प्लस होंगे, तो ये होगा हमारा 760। तो 760 में से 520 माइनस करोगे तो आपके 240 आएंगे, और ग्रेटर नंबर क्या है 760 वाला, तो माइनस का 240 आएंगे, तो ये प्लस माइनस करना आपको आता होगा, तो माइनस का 240 हमारा आंसर आया, ठीक है। तो टोटल हमने निकाला तो समेशन एफ आई हमारा 50 आ गया, और समेशन एफ आई डी आई जो हमारा आया माइनस 240, ठीक है। अब हम एग्जूम द मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड मेथड जो हमारी है उसका फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पे ए तो हमने क्या माना था 150, प्लस समेशन एफ आई डी आई क्या आया माइनस 240, तो माइनस 240 लिखा, समेशन एफ आई क्या है 50, तो 50 लिखा, जीरो से जीरो कट कर दी। अब 150 प्लस, अब है ना, मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला आप पहले डेसिमल में बना लो तो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि फिर एलसीएम लेके फिर सॉल्व प्लस माइनस करके फिर आप डेसिमल बनाओगे तो कभी कभी बच्चे उसमें मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये थोड़ा इजी रहता है। तो पहले आप ये जो प्लस के उधर वाला, ए के उधर वाला जितना भी अपॉन वाला है उसको डेसिमल बना लो। तो हम यहाँ पे 24 में 5 का जब डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, फिर
यहाँ पे फोर बचेगा, फोर रिमाइंडर आएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 5 8 40 तो 4.8 आया। और माइनस का नंबर है तो माइनस का आंसर आएगा, तो -4.8 आया। तो ये पहले डेसिमल बना लो, प्लस माइनस जैसा भी आंसर आ जाए। डेसिमल बनाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150 प्लस माइनस क्या होगा, -4.8। तो अब इसको दोनों को माइनस करना है, तो हम एक बार जानते हैं कि 150 जो है उसके लास्ट में पॉइंट मानेंगे, ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, माइनस प्लस में क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 8 लिखेंगे और इधर 0 के नीचे 4 लिखेंगे, तो 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 होगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 8 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब यहाँ पे 9 बचा तो 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 4 बचा क्योंकि कैरी दिया था हमने, तो 4 और 1 तो 145.2 ये आया। तो हम मीन का आंसर क्या लिखेंगे, 145.2। अब हमें डेली वेजेस का मीन निकाल रहे हैं, इसलिए रुपए पैसे के सवाल में डेसिमल के बाद दो नंबर आते हैं, टू नंबर, तो हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा मीन जो है रुपीज़ 145.20, ठीक है। अब हम आंसर जब लिखेंगे तो आंसर में देयर फोर करके आंसर लिख देंगे, देयर फोर द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इक्वल टू 145.20, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन में जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी में एफ निकालना है, वैल्यू एफ निकालनी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपके 4 5 6 है ना, तो ये क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जिसमें मीन निकालना है, 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं मीन के, और ये थर्ड क्वेश्चन भी समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।